हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे किस तरह से किसी भी इमेज में जो पीले दांत रहते हैं, येलो टीथ रहते हैं, उसको हम किस तरह से एक वाइटन टीथ या फिर सफ़ेद दांत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इमेज ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इमेज बराबर है, लेकिन इसमें दांतों का जो कलर है बहुत येलो है या पीलापन बहुत है। इसमें हम अभी कुछ एडजस्टमेंट करके इन दांतों का कलर हम सफ़ेद करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन लेने के बाद यहाँ पे एक हैंड टूल है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इन दांतों को, इन दांतों में जो सैम्पल कलर है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सैम्पल कलर क्लिक करते आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर येल्लो कलर सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस ह्यू को पूरा प्लस 80 तक लेके जाना है और सैचुरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। यहाँ पे बढ़ाने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर की रेंज दी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो कि जहाँ पे आपको दांत दिख रहे वहाँ पे आप पूरा दांत सेलेक्ट करो। यहाँ पे पूरा ब्लू कलर आना चाहिए दांतों के ऊपर। यहाँ पे हम कलर रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कलर रेंज आपको यहाँ पे जो दिख रही है इसका कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे इतना करने के बाद आप ये सैचुरेशन को वापस से ज़ीरो पे लेके आओ, ज़ीरो पे रखो और ह्यू को ज़ीरो पे रखो। फिर उसके बाद आप इस सैचुरेशन बार को जहाँ पे आपको वाइट टीथ नज़र आएंगे वहाँ पे स्टॉप कर दो और इस लाइटनेस को आप यहाँ पे यहाँ से बढ़ा दो। ये हो गया हमारा काम। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्सल है जो ख़राब हो गए हैं, तो इसे भी हम अभी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेयर पैनल में जाएंगे। लेयर पैनल में यहाँ पे जो व्हाइट मास्क है उसको इन्वर्ट करेंगे कंट्रोल आई से और ब्रश लेके हम यहाँ से खाली सिर्फ जितने भी हमें जो पीले दांत दिख रहे उसे हम पेंट करेंगे। यहाँ पर ब्लैक मास्क हमने यहाँ ले लिया, फोरग्राउंड में हम वाइट लेते हैं व्हाइट और यहाँ से हम पेंटिंग चालू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिफोर ये आफ्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।